जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी डबल ए SSR नई भर्ती 2021 के बारे में दोस्तों। और आप लोग देख रहे हो दोस्तों ये क्या हो रहा है, बच्चों ने बिल्कुल बवाल मचा रखा है और बवाल मचाए भी क्यों ना दोस्तों। बिल्कुल आप लोग देखोगे यहाँ पे तो बच्चों ने कैसे करके फॉर्म को फिलअप किया है, इस वीडियो में आप लोग को मैं पूरा अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। क्यों फॉर्म को फिलअप कर रहे वो भी बताऊँगा, और ये फॉर्म को ऐसे फिलअप करना सही है या नहीं है सही वो भी इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। और बच्चों ने पूरा मतलब कि अपना मन बना लिया कि इस तरीकों को अपना के वैकेंसी को कैंसिल किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा बच्चों ने बताया है, तो पहले ये पूरा डिटेल में बात करने वाले, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर नया हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी हम टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बात कर लेते थोड़ा अनअकैडमी के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर सुश्रुता एमनेस बैच 2022 यहाँ पर दोस्तों 20 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर एमनेस की तैयारी कर सकते हो तो ये बैच ले सकते हो। उसके बाद अरिहंत नेवी बैच दोस्तों जो कि 20 अक्टूबर से 30 दिसंबर के बीच में चलने वाला है, और नेवी की अभी वैकेंसी भी आ गया तो आप लोग जरूर इस बैच को लेना मेरे भाई। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग 6 मंथ का लेते हो तो 1 मंथ का आप लोग को एक्स्ट्रा मिल जाता है, 24 मंथ का लोगे तो 4 मंथ का आप लोग को एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, 12 मंथ वाला में 12 मंथ का SSB देखने को मिल जाता है। ये 19 से दोस्तों 21 अक्टूबर तक ही ऑफर रहने वाला है। उसका दोस्तों बात करते आगे तो यहां पर त्रिफुल एयरफोर्स एक्स ग्रुप बैच यहां पर दोस्तों जो कि 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, वही गैलरी एयरफोर्स वाई ग्रुप बैच जो कि 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, 30 दिसंबर तक चलने वाला है। सभी कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप जिस चीज की तैयारी करते हो उस पर क्लिक करके दोस्तों आप जितने मंथ का लेना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोग से एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, रेफरल कोड में आप लोग को एसजी स्टडी डाल देना, जिससे कि आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कोर्स का प्राइस जितना भी होगा उससे और सस्ता में आप लोग को कोर्स मिल जाएगा भाई, और आप लोग अपना तैयारी हो वो बेहतर बना सकते हो। तो फटाफट जाइए अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए और कोर्स का मजा लीजिए। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि नेवी डबल ए और SSR की वैकेंसी फाइनली आउट हो चुकी है, ठीक है। और उसमें हुआ है क्या दोस्तों कि डबल ए और SSR की वैकेंसी इस बार फिर से क्या कर दिया गया दोस्तों, ऑफलाइन कर दिया गया, ठीक है, ऑफलाइन कर दिया गया, चलो सही है, ठीक है। लेकिन एडमिट कार्ड जो भेज रहे हैं दोस्तों वो सबका एडमिट कार्ड नहीं भेज रहे, सिर्फ 10,000 कैंडिडेट का भेज रहे हैं, और वो भी मतलब कि परसेंटेज बेस पर भेज रहे, ठीक है। इसलिए बंदे जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और वो बोल रहे हैं कि मतलब कि जब मैं 2 साल से कंटिन्यू असली तैयार कर रहा हूं, अभी कोई कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है, फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहे। बिल्कुल आप लोग का कहना सही है मेरे भाई, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो, ये कर रहे हो तो ठीक है। अब देखो दोस्तों अब जो हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्म आप लोग देख रहे हो, ये जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहे हो इसमें कितना परसेंटेज मतलब कि डाल के इन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है, और ये सब जो फॉर्म है ये सब एक फेक फॉर्म है, ठीक है, जो कि जिनका कम परसेंटेज है वो बच्चे भरे हैं। और क्यों भरे वो भी बताते हैं, सबसे पहले हम एक बार इन सभी फॉर्म को देखते हैं और इसमें कितने परसेंटेज पर भरा गया और किन नाम से भरा गया आपको तो यहां पर दिख रहा है, तो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं और फिर अब बात करेंगे दोस्तों कि ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा सही, क्योंकि अभी हम लोग जितने भी सर है, ठीक है, वो हम लोग ट्विटर कैंप पर नहीं, और आप लोगों को पता होगा डिफेंस गुरुजी सर अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं, ठीक है, प्रतीक सर जो है, ठीक है, तो अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं और यही सब चीज को लेकर बात करेंगे, ठीक है, मतलब एयरफोर्स रिजल्ट एनरोलमेंट को लेकर और इस वैकेंसी के बारे में अब वहां पर बात होने वाली, ठीक है। तो वहां से कुछ अपडेट शाम तक मिलने वाला है, ठीक है, आते हैं सर तो बताते हैं तो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो पहले हम ये दिखाता हूं ये मतलब कि सभी फॉर्म को, फिर आगे हम बात करते हैं। तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले देखोगे दोस्तों तो ये 18 मतलब कि अक्टूबर को फॉर्म को फिलअप किए हैं। उसके बाद नीचे आओगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो नाम क्या लिखा गया है, यहाँ पर नाम दोस्तों लिखा गया है ऑफलाइन लेबडा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, और फादर ने मोदी जी रख दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो फोटो यहाँ पर आप लोग देख लो, सोनी लियोनी की फोटो यहाँ पर डाल दिया गया है, जो कि एक्ट्रेस है आप लोगों को पता है बॉलीवुड के अंदर में, और यहाँ पर सिग्नेचर की जगह पर देखो कुछ भी डाला नहीं गया, ठीक है। उसके बाद इंडियंस दे दिए, जो भी है इनका डेट ऑफ बर्थ वो सब डाल दिए। उसके बाद एक बार हम डालते हैं ये चीज पे नजर, क्योंकि जो भी मतलब डिपेंड करता है दोस्तों इसी चीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखो 100 में 99, 100 में 98, 100 में 99, 100 में 100, 100 में 100, टोटल परसेंटेज की बात करो 99.20, और कैंडिडेट है कहां से, बिहार से है, ठीक है। अब देख लो 99% है बिहार से दोस्तों, तो लाजमी है कि दोस्तों इनका एडमिट कार्ड आएगा, इनका दोस्तों क्या होगा एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक, और दिखाते हैं और फिर बात करते हैं इन सभी पे। दूसरा फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, दूसरा फॉर्म यहाँ पर 18 तारीख को ये भी फॉर्म फिलअप किया गया। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे
तो ऑफलाइन यहाँ पर नेम लिखा गया, फिर यहाँ पर फादर नेम मोदी जी लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो सेम टू वही चीज़ दिया गया है, और यहाँ पर फोटो में ऑफलाइन ऑफलाइन क्या कर दिया, सिग्नेचर फोटो में यही चीज़ अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद नीचे आओ, नीचे आने के बाद देखते हैं, देखो नीचे में है 100 में 99, 100 में 98, 100 में 99, 100 में 100, 100 में 100, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो टोटल देखोगे तो 99.20% इसमें भी, और ये भी कैंडिडेट बिहार से हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आप लोग देख लिए ये दो चीज़, अभी और चीज़ हम आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। अभी और फॉर्म है मेरे पास, दिखा देते हैं वो भी आपको। तो देखोगे अगला जो फॉर्म है दोस्तों, देखो यहाँ पर 16 अक्टूबर का इन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आओगे के बाद देखो नेम में आप लोगों को देख लो बेरोजगार मोदी, ठीक है। और फादर नेम एमसी राजनाथ सिंह आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एमसी का फुल फॉर्म आप लोग समझ गए होगे, आप लोग समझदार बहुत ज़्यादा। और फोटो में आप लोग देख सकते हो दोस्तों नरेंद्र मोदी का फोटो है और यहाँ पर बेरोजगार मोदी का सिग्नेचर है भाई। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोग देखोगे परसेंटेज इसमें, तो देखो कि 150 में 145, 50 में 49, 100 में 98, 99, 97, टोटल परसेंटेज 97 और ये भी कैंडिडेट बिहार से है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हो गया, अब और दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखोगे मेरे भाई ये 17 तारीख को फॉर्म फिलअप किए हैं, और यहाँ पर देखोगे तो नेम में पाकिस्तान दिए हैं और बाप के नाम में दिए इंडिया, देख लो मेरे भाई गजब गजब बंदे हैं देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब कुछ दिए, उसके बाद सिग्नेचर में पाकिस्तान और फोटो झंडा उनका लगा दिया पाकिस्तान का। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे 100% में आप लोग को देख लो कि 100 में 100 टोटली देखने को मिल रहा है, और इनका जो टोटल परसेंट हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये कैंडिडेट है राजस्थान से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए इतना चीज़। अभी ऐसे करके बहुत सारे मेरे पास मतलब कि स्क्रीनशॉट है जो कैंडिडेट ने भेजे हैं, और बहुत सारे ग्रुप में आप जुड़े होगे तो वहां भी आया होगा, ठीक है। तो यह क्या करना सही है या नहीं है उस पर आप अपनी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप लोग ने देख लिया कि जितने भी फेक फॉर्म फिलअप किए हैं इनका एक ही मतलब कि कहने का मतलब है कि मैं फेक फॉर्म इसलिए फिलअप कर रहा हूँ कि ऐसे भी मेरा एडमिट कार्ड 60% पे नहीं आएगा और 50% पे मेरा एडमिट कार्ड ऐसे ही नहीं आएगा, तो इसलिए हम फेक फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं जिससे कि मेरा परसेंटेज ज़्यादा होगा और मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा, और मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर भी मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा। अगर मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाता हूँ तो जैसे कि 10,000 कैंडिडेट ने ऐसे करके फॉर्म फिलअप किया 100% पे, ठीक है, सभी स्टेट से जितना स्टेटस सब जगह से 100% पे मतलब कि एडमिट मतलब कि परसेंटेज पे फॉर्म फिलअप कर दिए, तो मतलब कि एडमिट कार्ड के लिए जो हाईएस्ट जो परसेंटेज होते भाई आपको पता है 100% होते, 101 तो होते नहीं है, तो इन सभी का तो एडमिट कार्ड कंफर्म है कि आएगा ही, तो ये तो फेक हो गया, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि मैं तो फेक हूं, ठीक है, तो मैं तो जाऊंगा नहीं देने मतलब एग्जाम, तो एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। और जहां पे एग्जाम कंडक्ट होगा जिस डेट को, उस डेट को कोई 10,000 में से 10,000 कैंडिडेट पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि सभी जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया वो फेक है, ठीक है, तो वो सब पहुंचेगा नहीं, तो फिर एग्जाम होगा नहीं, एग्जाम होगा नहीं तो भाई ये जो वैकेंसी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इनका माइंड में ये सोच चल रहा है, और ये करना सही है या गलती है ये मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर इस पे मैं कुछ भी बोलता हूँ तो आप लोग मेरे पे टूट बरसोगे कि सर आप भी मतलब क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, आपको जो सही लगता है भाई वो करो, ठीक है। और आपके मन में अगर ये चल रहा है, अगर ऐसे करके वैकेंसी अगर कैंसिल हो जाते तो आप लोग करो भाई, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है आप लोग को, ठीक है, लेकिन आप लोग बताता हूँ ऐसे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा वो मैं नहीं बोलूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है। और आपको बता दूं नेवी एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के भी फॉर्म ओपन रैली के आए थे, उसमें भी ऐसे करके कैंडिडेट बहुत सारे ने फॉर्म फिलअप किए थे, तो दोबारा से लिस्ट जारी किए गए थे जिसमें जितने भी फेक नाम से था जो था उनका हटा दिया गया था, ठीक है। उनका जैसे एक्स वाई जेड था, पापा की परी था, उसमें भी नरेंद्र मोदी था, ठीक है, तो वो सब था, तो मतलब कि वो सबको हटा के एक बार फिर से लिस्ट को जारी किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें अगर भाई 100% वाला ही सब हो जाएगा तो फिर इनको मुश्किल होगा लिस्ट को मतलब कि जारी करना दोबारा, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है दोस्तों मतलब कि मतलब सही नहीं होगा, मतलब वैकेंसी कैंसिल भी हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकते इसमें, ठीक है। तो आप लोग ने ये अपनाया है तो चलो भाई करके देख लो, मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूँगा, करो या ना करो मैं नहीं बोलूँगा। बस बहुत सारे कैंडिडेट का आ रहा था तो वो बोल रहे थे, और वही कैंडिडेट मुझे बोल रहे थे जिनका 90% था, क्यों, क्योंकि वो बोलेंगे कि सर मेरा 90% है, ये लोग का 60% है, फेक फॉर्म फिलअप कर रहे, सर मुझको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग 100% पे फिलअप कर रहे और मैं 90% पे फिलअप कर रहा हूँ जेन्यून फॉर्म, तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो यही सब कैंडिडेट थे जो बोल रहे थे, इनका भी कहना सही है एक तरह से, और मतलब कि और जिनका 60% है उनका भी कहना सही है भाई, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए, ठीक है। आपके कारण 90% वालों का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर मतलब कि आपके टैलेंट होते हुए नेवी आपको मौका नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये बात रहती है, बाकी बस सबको मतलब कि परसेंटेज बेस पे लेना था, और हम लोग का मतलब कि यहाँ पर चल भी रहा है, मतलब कि
आप लोग के लिए, मतलब कि यहाँ पर मतलब कैंपियन आप लोग के साथ में हम भी है, ठीक है। और आप लोग के बता दो दोस्तों, अभी मतलब कि कुछ ना कुछ आज अपडेट आएगा, और मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाला है मतलब कि पीएल दाखिल, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। मतलब कि और भी दो तीन सर आ चुके हैं इसमें, तो वो सब कुछ काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अगर जिसने भी जेन्यून फॉर्म को फिलअप किया है 60% पे 70% पे, अगर ऑनलाइन हो जाता है भर्ती, तो भाई आपको तो जेन्यून फॉर्म फिलअप के तो आप ज़रूर जाओगे, लेकिन ये सब 100% पे फिलअप कर रखें, अगर हो जाए बाई चांस लो, तो आप लोग रोने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना मेरे भाई, आप जितने भी फेक फॉर्म फिलअप किए हो, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बात आपको जो भी दिल करता है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत अच्छा निंजा टेक्निक आप लोग ने अपनाया, अगर इससे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा आप लोग करो, ठीक है। आपको जो करने का मन करता है करो, ठीक है। बाकी बात बहुत सारे कैंडिडेट ने फिलअप किया, लगभग मैंने देखा यहां पर अभी तो 4-5 आपको मैं दिखा रहा हूं इधर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा सबको दिखाऊंगा, तो ग्रुप में जाके देखना। बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसा मतलब मैसेज किया कि सर देखिए देखिए ऐसा ऐसा फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। बाकी बात कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं मेरे भाई, बस आप लोग जेन्युइन फॉर्म फिलअप करो, हो सके ऑनलाइन तो फिर ठीक है, अगर ऑफलाइन होगा तो फिर मौका नहीं मिल पाएगा 60% वालों को, इस बात को आप लोग याद रखेगा, ठीक है। इसलिए सपोर्ट में आओ दोस्तों, जितने भी सर अगर नेवी के रिगार्डिंग आवाज़ उठा रहे हैं तो उनका सपोर्ट करो, मैं यही बोलूँगा। जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो, सपोर्ट करो, और जहाँ पे कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लॉयर बोल रहा है कि 4 लाख रुपये लगेंगे केस लड़ने में, तो वहाँ पे 2 पैसा है, ये नहीं कि 100-200 आप लोग खा जाते हो, 100-200 डोनेट करने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है ना। उधर डोनेशन दोगे भाई मतलब कि आपका ही काम होगा, वो अपना काम नहीं करवाएंगे, ठीक, और वो पैसा खाएंगे नहीं, क्योंकि भाई आपको पता है वो सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उनको 100-200 की परी नहीं है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और अभी पैसा ले भी नहीं रहे कुछ सर, और कुछ सर ने मतलब कि लिया है, लेकिन कुछ सर जो है मतलब प्रतीक सर अभी तक पैसा लिए नहीं है, आप लोगों को पता होगा, डिफेंस गुरुजी वाले सर अभी वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोग सपोर्ट करो, मैं भी उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, और आप लोग भी सपोर्ट करो, हो सके तो वैकेंसी ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करो बस, ठीक है। बाकी बात वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, और क्लास भी जल्द हम स्टार्ट करेंगे, नेवी की वैकेंसी आ जाने तो जल्द क्लास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, डबल ए की भी क्लास चलेगी, SSR की क्लास चलेगी, और MR की भी क्लास चलेगी, ठीक है। तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा शुरू से अंत तक, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन, हर स्टडी मटेरियल के लिए दोस्तों वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या सर्च कर लीजिए SG Study और जाकर ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर कुछ भी पूछना फॉलो कर लो, वहाँ पर पूछ लो, वहाँ भी लाइव आते तो आप लोग मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो, तो जरूर फॉलो कर लेना, अगर तक फॉलो नहीं किया हो तो, ठीक है मेरे भाई। बाकी बात वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो, मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।